हेलो फूडीज, वेलकम टू आवर फूड वर्ल्ड। आज मैं लेके आई हूँ गाजर की मोदक। तो उसे कैसे बनाते हैं, तो आइए दोस्तों मैं उसके लिए क्या क्या चाहिए मैं आपको बताती हूँ। मैंने यहाँ पर आधा किलो गाजर ली है, जिसे अच्छे से मैंने कद्दूकस कर लिया है। एक गिलास दूध लिया है, 4 से 5 इलायची ली है, साथ में खरबूजे के बीज लिए हैं, फूड कलर लिया है, नारियल का बुरादा 1 कटोरी, बादाम, काजू और साथ में मैंने ली है चीनी और मिल्क पाउडर। 1 कटोरी मैंने मिल्क पाउडर लिया है। अब मैं यहाँ पर पैन ले रही हूँ, उसके अंदर मैंने घी डाल दिया है 2 चम्मच और डाल दूँगी कद्दूकस की हुई गाजर। अब गाजर को ना मैं थोड़ी सी कुक करूँगी, सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि गाजर ना अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए मैं अच्छे से इसे कलछी से ऐसे चला लूँगी। ये बहुत ही आसान रेसिपी है, आप इस गणेश चतुर्थी पर इसे बना सकते हैं। बहुत ईजिली बन जाते हैं और टेस्टी भी बहुत बनते हैं। तो देखिए मैं अच्छे से इसे चला रही हूँ और आप भी इसे छोड़िए ना, बिल्कुल ऐसे स्टर करते रहिए लगातार। अब मैं गाजर को करूँगी कुक दूध के साथ। 1 गिलास मैं दूध, मलाईदार दूध घर का ले रही हूँ, वो इसके साथ डाल रही हूँ और उसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी। अब इसे तब तक चलाऊँगी जब तक ये दूध डाला है वो सूख नहीं जाए और जो गाजर है ना वो सॉफ्ट ना हो जाए। तो आप भी इसे ऐसे लगातार चलाते रहिए। मैंने यहाँ पर आँच को सिम पर नहीं रखा है, नॉर्मल आँच पर इसे पका रही हूँ। जब तक ये पक रहा है तब तक मैं क्या करूँगी, मिक्सर जार में बाकी की चीज़ों को ग्राइंड कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पर मिक्सर जार में डाल दिया थोड़े से बादाम, थोड़े से काजू, साथ में नारियल का बुरादा और मैं यहाँ पर ऊपर से 1 कटोरी मिल्क पाउडर डाल रही हूँ जो खोए का काम करेगी। तो 1 कटोरी मिल्क पाउडर डाल दिया है और 4 से 5 इलायची। इलायची का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है तो मैंने यहाँ पर इलायची भी डाल दी है। अब जार को कर देंगे बंद और अच्छे से इसका पाउडर तैयार कर लेंगे। तो देखिए ग्राइंड कर लिया है, पाउडर हमारा ये बनकर तैयार है। अब देखिए जो हमने कढ़ाई पर गाजर को सॉफ्ट होने के लिए रखा था वो धीरे धीरे दूध है सूखता जा रहा है। बस आप भी इसे ऐसे लगातार चलाते जाइए। काफ़ी हद तक दूध सूख चुका है, अब इसके अंदर हम 1 कटोरी चीनी डाल देंगे। मीठा कम या ज़्यादा आप स्वाद अनुसार कर सकते हैं। तो अब मैं मीठा इसके अंदर डाल दिया है, अब मैं क्या करूँगी इसे अच्छे से ऐसे मिला दूँगी। अब जब तक चीनी अच्छे से इसके अंदर मेल्ट नहीं हो जाती बस इसे ऐसे ही हम चलाते जाएंगे ताकि जितना भी ये दूध है ये सूख जाए अच्छे से। तो धीरे धीरे देखिए अब ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है, बस आप भी इसे ऐसे लगातार चलाए, बिल्कुल भी छोड़िए ना। अब इसके अंदर हम वो पाउडर डाल देंगे जो हमने मिक्सर जार में बनाकर तैयार कर लिया था। तो सारा पाउडर मैंने डाल दिया, मिक्स कर देंगे। अब क्या ये फटाफट अब ये गाढ़ा हो जाएगा, एक डो की तरह बनना स्टार्ट हो जाएगा और कढ़ाई को बहुत जल्दी छोड़ देगा। तो आप भी इसे ऐसे लगातार मिक्स कर लीजिए। देखिए कितना गाढ़ा हो गया है, बस आप इसे अभी थोड़ी देर और चलाएं ताकि जितना भी ये ढीला है और ढीला सा लग रहा है ना वो ख़त्म हो जाए इसके अंदर से। और हम डाल रहे हैं फूड कलर ताकि कलर अच्छा आए, बिल्कुल ऑरेंज कलर, जैसे कैरेट के होते हैं ना लड्डू, वैसे ही हम मोदक बना रहे हैं। तो ये देखिए मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर दिया है, अब कलर अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाएगा और बहुत ही अच्छा लास्ट में रिज़ल्ट हमें मिलने वाला है। धीरे धीरे देखिए डो की फॉर्म में ये आ रहा है, बस आप इसे 2 से 3 मिनट और चलाएं, यह काफ़ी हद तक पक चुका है। तो ये हमारा अच्छे से तैयार है डो, इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पर प्लेट में निकाल कर इसे 5 से 7 मिनट ठंडा होने के लिए रख दूँगी ताकि हाथों पे अच्छे से लग सके। अब 2 मिनट 3 मिनट के लिए ऐसे अच्छे से मैं इसको फैला दूँगी ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हाथों को हम अच्छे से घी से ग्रीस कर लेंगे और फिर हम इससे मोदक बनाना शुरू करेंगे। अब जो मोदक का माउल्ड है इसको भी हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ताकि जब हम मोदक बनाएं बिल्कुल चिपके ना और बहुत ही अच्छे से आसानी से बाहर आ जाए। अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके डो इसके अंदर डालते जाएंगे। तो मैं यहाँ पर देखिए ऐसे रोल करके इसके अंदर डो डाल दूँगी थोड़ा सा। आप छोटे बड़े जिस साइज़ में मोदक बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं मोदक। और गणेश चतुर्थी पर तो ज़रूर ही बनाइए, प्रसाद के तौर पर बनाइए और ऐसे भी खाकर एंजॉय कीजिए, बहुत अच्छे बनने वाले हैं ये। और गाजर के वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं,
तो मैंने क्या किया है, गाजर का पहले हलवा तैयार कर लिया है, बस उसे उसको मोदक की शेप दे दी है। ये देखिए अब मैं आपको निकाल कर दिखा रही हूँ कितना अच्छा हमारा छोटा सा मोदक बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरह बचे हुए सभी मोदकों को हम तैयार कर लेंगे। छोटा बड़ा जिस साइज़ में आप बनाना चाहते हैं मोदक को बना सकते हैं। इसी तरह मैं आपको एक और मोदक बनाकर तैयार कर ली हूँ, आप इस तरह भी मोदक को बना सकते हैं। तो अच्छे से इसे प्रेस कर देंगे और जितना भी एक्स्ट्रा वाला होगा वो सारा निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमारा कितना सुंदर लग रहा है ना मोदक, और ये हमारा दूसरा मोदक भी बनकर तैयार है। इसी तरह सभी मोदक को हम बनाकर तैयार कर लेंगे। और ये देखिए मैंने सारे मोदक बनाकर तैयार कर लिए, कुछ मैंने लड्डू भी तैयार कर लिए हैं। अब मोदक को थोड़ा मैंने डेकोरेट भी किया है चांदी का वर्क लगाकर। आप ड्राई फ्रूट से भी इसे कर सकते हैं, जिस मर्जी से इसे प्रेजेंटेट कर सकते हैं। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो आप भी इस गणेश चतुर्थी पर कैरेट के ये मोदक बनाकर तैयार कर सकते हैं। गाजर मार्केट में आ रही है, आप लीजिए और इन्जॉय कीजिए इसे। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए। ऐसी नई नई रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और बताइए कमेंट बॉक्स में कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो बने रहिए मेरे चैनल पर, मिलते हैं नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए आप इसे इन्जॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।